एक्सीडेंट हुआ था 2nd जनवरी 2011 में, जिसकी हाई टेंशन की वायर से 11,000 वोल्ट्स की वजह से मुझे शॉक लगा था, जिसकी वजह से मुझे ये दोनों लूज करने पड़े बाजू अपने। ये शॉक कहाँ पे लगा था? ये घर पे लगा था, छत पे। अच्छा, फिर सर्जरी हुई थी तो इंफेक्शन की वजह से सर तीन सर्जरी हुई थी मेरी, एक लो एम्पुटेशन, एक फिर थर्ड एम्पुटेशन हुई थी शोल्डर से, जिसकी वजह से उन्होंने इन्फेक्शन की वजह से उनको शोल्डर तक काटने पड़े। ये ताइक्वांडो या स्केटिंग ही क्यों आपने चुना? इसके बगैर भी और बहुत सारे खेल है जो पैरा चैम्पियनशिप जिनकी होती भी है, तो आपने इसी खेल को क्यों चुना? पहले लगने से पहले तो मैं अपनी टीम में, अपनी स्कूल टीम की तरफ से फुटबॉल खेलता था स्कूल की तरफ से, बट लगने के बाद मैंने अपनी गेम चेंज की। अब ये आप कह सकते हैं कि उस टाइम ये सोच ही ऐसी आई कि पहले मैंने स्केटिंग स्टार्ट की, फिर स्केटिंग में अच्छे से प्रैक्टिस करके स्टेट गोल्ड मेडलिस्ट बना, नेशनल लेवल प्लेयर बना, दो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए, बट उसमें इनफ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी इंटरनेशनल के लिए अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि वो ओलंपिक के हम पैरालंपिक के थ्रू रिकॉग्नाइज नहीं थी हमारी स्केटिंग। फिर लास्ट ईयर ही मैंने पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया से मीट किया, तो फिर अपनी को गेम को डिसाइड किया कि फिर ताइक्वांडो ऐसी गेम निकली जो मेरे लिए हेल्पफुल भी थी, मतलब मेरी कैटेगरी में भी थी और प्रेजेंट भी थी ओलंपिक्स में, ओलंपिक के रिकॉग्नाइज भी है। तो 2020 में ये डेब्यूट कर रही है अपना टोक्यो में, तो जिसकी वजह से मैंने ताइक्वांडो को ज्वाइन किया और इस टाइम वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल। तो इसने पैरा ताइक्वांडो जनवरी में शुरू किया 2017 में, तो मई पे जनवरी फरवरी में शुरू किया, तो मई पे ये नेपाल खड़ने के लिए गया, उसने गोल्ड मेडल वहाँ से ले लिया। तो उसके बाद वियतनाम में गया, तो वहाँ से दो गोल्ड मेडल वहाँ से आई, वियतनाम से एक गोल्ड मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल आया, तो दो मेडल कोरिया से लाए। तो उसके बाद इस बार ये 2019 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप थी, तो हमारे जम्मू क्या है, हमारे इंडिया में किसी के पास कोई मेडल नहीं है, ये पहला है मेरा बेटा जिसने सिल्वर मेडल। पेरेंट्स का सपोर्ट तो मुझे जब से मेरा एक्सीडेंट हुआ तब से लेके अब तक बहुत ज़्यादा है, हर एक काम में जो मुझे करना है वो कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते, हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं। पेरेंट्स के साथ मेरी फ्रेंड्स भी मेरी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं हमेशा, क्योंकि जब से 6th में मुझे इंसिडेंट हुआ था तब मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मेरे नोट्स से लेके स्टडीज़ का लेके सारा मटेरियल मेरे बेस्ट फ्रेंड्स वगैरह मुझे प्रोवाइड करते हैं, सारा कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो अभी तक फैमिली और फ्रेंड्स ने ही सपोर्ट किया जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँचाऊँगा। इस खेल में फ्यूचर तो मैं अभी जैसे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पहली बारी मेडल आया, तो इसके बाद अब अगला होगा कि ये सिल्वर को मैं 2021 में इसको गोल्ड में कन्वर्ट करूँ सबसे पहले, और जैसे ही ओलंपिक में गेम तो आ गया बट इसमें दो कैटेगरीज आएँ K43 K44, बट मेरी अभी नहीं आई, तो क्या पता अगले ओलंपिक्स में आ जाए। तो हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का ड्रीम ओलंपिक ही होता है, क्योंकि एक मैं लाइन बोलता हूँ, सफ़र में सफ़र करना है या सफरिंग को एक हसीन सा सफ़र बनाना है, ये चॉइस आपके अपनी है। तो आप छोटी सी फेलियर को लेके अपनी लाइफ को मत चेंज करिए, क्योंकि जो भी होता है, मैं तो सोचता हूँ अच्छे के लिए होता है, कि अच्छे के लिए होता है, तो उसको एक पॉजिटिव वे में लीजिए, उसी से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। जैसे कहते हैं कि इफ़ यू कांट फ्लाई ट्राई टू रन, इफ़ यू कांट रन एटलीस्ट वॉक, इफ़ यू कांट वॉक क्रॉल, बट कीप ऑन मूविंग, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर आएगा, बट हमेशा थोड़ा हार्डवर्क करते रहिए, थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही लास्ट में एक बड़ा रिजल्ट देती हैं। Thank you.